कर सकते हैं, आगाज कीजिए। शेर अबी तालिब की वो तारीख घाटी के जिसमें एक कबीला महसूर होकर रह गया, अली वकार उससे उसका अनाज छीन लिया गया, यहाँ तक के खाने को महज दरख्तों के पत्ते ही रह गए। अभी कबीले वालों के हौसले पस्त होने ही लगे थे कि एक खातून उठती हैं अपने काविंद आकाए दो जहां सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ निभाती हैं, कबीले वालों का हौसला बुलंद करती हैं। और अली वकार ये हजरत खदीजतुल कुबरा हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि औरत हैं मगर सूरत कोहसार खड़ी हैं। जनाबे वाला, जंगे त्राबलस में ज़ख्मियों को पानी पिलाते फातिमा बिनते अब्दुल्ला शहादत को गले लगा लेती है, और यही औरत जब APS की प्रोफेसर ताहिरा काजी बनती है तो वो अपने कौम के बच्चों को बचाते बचाते दहशतगर्दों की गोलियां अपने सीने पर रोक लेती है। ये औरत बिलकीस एदी बनकर बेसहारों को सहारा देती है। ये औरत आयशा फारूक मरियम मुख्तियार बनती है, वतन की फ़जाओं की हिफाजत करती है। ये औरत इल्म के मैदान में अरफा करीम बनती है। ये औरत खेल के मैदान में सना मीर बनती है। और आज के इस कोरोना के दौर में ये औरत अपने हमवतनों को बचाते बचाते जब अपनी जान की बाजी हार देती है तो ये डॉक्टर राबिया तैयब बन जाती है, क्योंकि ये सिंफ़े नाजुक है मगर हौसले जवान रखती है, माना के कमज़ोर है मगर दर्दे दिल भी रखती है, उसमें हिम्मत है ऐसी कि हो जाए अमर और आँच ना आने दे कभी अपनी गैरत पर। वो मरियम, वो अरफा, वो बिलकीस एधी, वो मरियम, वो अरफा, वो बिलकीस एधी, वो कौला, वो कंसा, वो सुमैया का सबर, वो करबल में बीबी जैनब है बनी, वो औरत है जो सूरत कोहसार है खड़ी, वो औरत है जो सूरत कोहसार है खड़ी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदहा सराई, पैगाम सुना ए बाद सबा, पुर कैफ साथ आई, पोशीदा है ईमान की राह अल्लाह की किताबे मुकद्दस में, बस गौर व फिक्र का दर है खुला हिकमत से सजी इस महफिल में, है लब पे दुआ जिदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां, रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा हर एक ने हिदायत पाई, नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरखान, नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है, रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में वो, रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, फहीम खान और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।